नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। खांडला में असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी के झाबुआ जिला अध्यक्ष कादर शेख ने पथ विक्रेता विधेयक 2014 लागू करने के बावजूद अनुविभागीय अधिकारी नहीं होने से तहसील कार्यालय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया। साथ ही महामहिम राज्यपाल व जिलाधीश महोदय के नाम भी प्रतिलिपि दी। वो बताया कि 6 सितंबर 2013 को लोकसभा में व 19 फरवरी राज्यसभा में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण व विक्रेता का विनियम विधेयक पास होकर पारित कर लागू कर दिया है, मगर केंद्र में बीजेपी सरकार ने इसका पालन न होकर पथ विक्रेता परेशान है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अतः जल्दी से विधेयक का पालन होकर पथ विक्रेता को रोजगार में नगर परिषद द्वारा बार बार हटाने से रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन्हें जोन बताकर स्थायी जगह दी जावे। छोटे छोटे अपना धंधा करके अपना परिवार पालते हैं, उनको परेशानी होती है, तो उनके लिए स्थायी व्यवस्था के लिए हमारी सरकार करेगी। हम खुद हम स्वयं मदद करेंगे और ये इन लोगों का सहयोग सरकार करेगी और ये हमारा करेगी। दूसरी बात ये है कि नगर में पूरा रोड खोद दिए गए नगर पंचायत द्वारा, धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं, दुकानदार हर नागरिक परेशान, इस संबंध में आप क्या कदम उठाएंगे? भाई नगर पंचायत के द्वारा बार बार जो है ये नालियां निर्माण या इस तरीके से जो काम को लेकर के जो व्यवस्थित कोई काम कहीं हो तो मैंने जैसे उसको तोड़ फोड़ करके जो किया है उसको या तो हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पार्षद सभी यहाँ पे हैं, सभी लोग बैठ करके उसको या तो मीटिंग करके उसका निर्णय या उसका निकाल करेंगे। कई बार यहाँ कह चुके हैं, कई बार यहाँ कर चुके हैं, 6 महीना हो गया लेकिन अभी केसन कैसे पड़ा हुआ, क्यों नहीं ध्यान देते? चलो आप फिर से उसका उसकी समीक्षा करके हम लोग जो है अभी वर्तमान में हमारी सरकार बनी है और हमारे पार्षद बहुमत सब मिलकर। थानला से मणकलाल जैन की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।